हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी रोबलॉक्स ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा रोबलॉक्स कीप स्टॉपिंग, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड को सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का, इसको ढूंढ लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा मैनेज ऐप्स का, तो हम मैनेज ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इसके टॉप राइट साइड में थ्री डॉट दिखेंगे उस पर क्लिक करना है। तो वहाँ पे आएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस का, तो इसको रीसेट कर दीजिएगा। रीसेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको एक बार पहले रीसेट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ उसके बाद जो भी आप ऐप में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस ऐप को आपको क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, तो जैसे मैं जो ऐप एग्जांपल के लिए मैंने बॉब ऐप ओपन कर लिया, तो जिसके ऐप में आपको प्रॉब्लम आ रही है आपको वो ओपन कर लेना है। उसकी स्टोरेज पर जाना है, स्टोरेज पर जाने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है। स्टोरेज के क्लियर कैच करने के बाद हमें क्या करना है, उसकी ऐप परमिशन पर जाना है और सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देना है। और ध्यान रखना कि कोई भी परमिशन यहाँ से हमें डिनाई नहीं करनी है। तो सारी परमिशन इनेबल करने के बाद हमें जाना है अदर परमिशन पे, तो अदर परमिशन पे भी सारी परमिशन इनेबल कर देनी है। इसके बाद एक और ऑप्शन देखेगा आपको, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, तो उस पर क्लिक करना है और उस पर वाईफाई और मोबाइल डाटा का ऑप्शन होगा, तो दोनों को इनेबल कर दीजिएगा। दोनों को इनेबल करने के बाद हमें क्या करना है, क्लियर डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन देखेगा सबसे लास्ट में, उस पर क्लिक कर देना है और क्लियर डिफ़ॉल्ट कर देना एक बार। तो क्लियर डिफ़ॉल्ट करने के बाद एक बार हमें अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद 5 मिनट बाद फिर से डिवाइस को ऑन करना है और जब आप ट्राई करोगे जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें।